दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विद मानवी चैनल। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, करेक्ट 6 बजे आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया था, वही बात सत्य हुई। तो हमारे चैनल पे पल पल की अपडेट सबसे जल्दी आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो अब मैं लेकर आया हूँ UP SSC की ब्रेकिंग न्यूज़। UP SSC पेट कोर्ट केस अपडेट लेकर आए हूँ। 18 अगस्त की सबसे बड़ी न्यूज़ है। फैसला किसके पक्ष में है, आवेदन डेट आगे बढ़ी तो क्या एग्जाम टल जाएगा, पूरी अपडेट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को बता दूँ कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें क्या सुनवाई हो रही है, उसमें पूरी ही अपडेट अभी तक नहीं पहुंच पाई जितनी, लेकिन वहाँ से जितनी बात कही गई है वो बात मैं आज तक लेकर आया हूँ और पूरी बात मैं बताने चाह रहा हूँ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों को बता दें कि वहाँ पे जो क्या बात चल रही, वहाँ पे 2-3 मुद्दे उठे हैं। वहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले बात तो ये हो गई, जो फॉर्म को रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाई जाएगी तो क्यों नहीं बढ़ाई जाए। वहाँ पे सभी बच्चे कह रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे थे, उन लोगों की बात रखी गई है कि रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही प्रॉब्लम थी कि कुछ सर्वर प्रॉब्लम हुई थी। और दूसरी बात उन्होंने पक्ष में रखा है कि सीजीएल वाले बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो सीजीएल वाले बच्चे नहीं एग्ज़ाम दे पाएंगे, वही एक होते हैं अच्छे कॉम्पिटिटर, जब अच्छे कॉम्पिटिटर ही एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो आगे फिर कॉम्पिटिशन क्या रहेगा। तो उसमें ये बता, दो मुद्दे ये उठाए गए हैं कि एक तो ये सीजीएल वाले पेपर नहीं दे पाएंगे, दूसरा ये रजिस्ट्रेशन डेट जो वो सर्वर प्रॉब्लम हुई थी। तो इन दोनों मुद्दे को उठाया गया है। तो गवर्नमेंट क्या ऑर्डर पास करती है, ये पूरी अपडेट हम आपको 3 बजे के बाद बताया है कि फैसला पूरा सुना दिया जाएगा। तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात उठाई गई है, तो यहाँ जहाँ तक रखते हैं, क्या लगता है कि जो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए वो फिर से रद्द कर दिए जाएंगे? तो ये हम आपको पूरी अपडेट दे दें कि रद्द करने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो उधर से आयोग ने कहा है कि हमने पूरा जारी कर दिया है, परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर हम इस एग्ज़ाम को नहीं कराते हैं तो हमारा पूरा परीक्षा कैलेंडर बिगड़ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें मुख्य परीक्षाएं, फिर ये पेट कराना है, फिर पेट के बाद हमें मुख्य परीक्षाएं करानी। और उन्होंने कहा था सबसे पहले हम लेखपाल की वैकेंसी कराएंगे, ये बात इन्होंने ये रख रहा, आयोग ये अपनी बात रख रहा है। और उधर ये बात रखी जा रही है कि अगर सीजीएल वाले नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे क्या होगा। तो ये सारे 2-3 मुद्दे रखे जा रहे हैं, लेकिन जो भी अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुँचा देंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, पल पल की अपडेट मिलेगी। तो इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।